Hey, hello and welcome to Physics Solution YouTube channel. Hope you all are having a good day. ये video second part है time period series की. First part में हमने small oscillations के लिए frequency और time period कैसे निकालते हैं देखा था. CSIR net चार तरीके से time period पे question पूछता है और जो कि काफ़ी ही important topic है. आज हम उसमें second type discuss करेंगे. आज हम देखेंगे कि एक compound pendulum के लिए easy and effective way में time period कैसे निकाला जाता है और उसके बाद उसे CSIR नेट के क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके इजीली सोल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कंपाउंड पेंडुलम इज अ रिजिड बॉडी विच ऑसिलेट्स अबाउट अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. लेट अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m शोन इन द फिगर ऑसिलेटिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहीं पे भी हो सकता है रिजिड बॉडी पे. हम लेके चलेंगे यहाँ पे. तो अज्यूम करते हैं ये एंगल थीटा से ऑसिलेट कर रहा है and somewhere it will have its center of mass. मान ले यहाँ पे और POS से COM का डिस्टेंस d ले लेते हैं. तो ये हो गई इसकी रेडियल डायरेक्शन एंड नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg. तो अब इसके लिए रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि होगी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और हमारा टॉर्क होगा r क्रॉस f इक्वल टू d क्रॉस mg इक्वल टू माइनस mg d साइन थीटा. माइनस क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मान के चलते हैं कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा विल अप्रोक्स इक्वल टू थीटा जो कि देगा ये. और यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो वो आएगा इस फॉर्म का जो कि एक एंगुलर SHM को शो करता है विद द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अंडर रूट mgd बाई आई विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2π बाई टी. देयरफॉर हमारा टाइम पीरियड आएगा t इक्वल टू 2π अंडर रूट आई बाई एम जी डी. और ये एक बहुत ही यूजफुल इम्पोर्टेंट और डायरेक्ट फॉर्मूला है. एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है POS के अबाउट और d सेंटर ऑफ मास एंड POS के बीच का डिस्टेंस है. तो आइए इसे यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि नेट दिसंबर 2013 में पूछा है. क्वेश्चन है अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड बाय अ मासलेस रिजिड रोड ऑफ लेंथ l अटैच्ड टू इट्स रिम. व्हेन द पेंडुलम ऑसिलेट्स इन द प्लेन ऑफ रिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज. और चार ऑप्शन ये हैं. तो ये एक हमारी रिंग है जो कि एक रोड से अटैच्ड है और ये ऑसिलेट कर रही है. गिवन है रिंग का मास m एंड रेडियस r और रोड मासलेस है ऑफ लेंथ l. लेट POS पे ही ओरिजिन है. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा मास ऑफ रोड जो कि जीरो है इनटू L बाय टू प्लस मास ऑफ द रिंग m इनटू L प्लस r डिवाइडेड बाय टोटल मास जीरो प्लस m इक्वल टू L प्लस r. तो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे और POS से COM का डिस्टेंस होगा L प्लस r. देयरफॉर हमारा d निकल जाएगा L प्लस r. और अब हम निकालेंगे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट POS जो कि होगा सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द POS एंड द रिंग. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है mr स्क्वायर प्लस डिस्टेंस हमारा d इक्वल टू l प्लस r है तो हो जाएगा m इनटू l प्लस r का स्क्वायर. तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट POS हो जाएगा m इनटू 2r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl. Therefore, the time period will be equal to 2π under root of I by mgd, जो कि हमें देगा 2π under root of m into 2r square plus l square plus 2rl divided by mg into l plus r, जो कि हमारे c option को match करता है. तो ऐसे ही अगर किसी भी rigid body के लिए आपको time period निकालना हो तो इस formula से easily निकाल सकते हैं. Thank you for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you and see you next time.